सबसे पहले तो भोजपुरी समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं, जो सेंटर में देखिए, जितने भी भोजपुरी को जानने वाले पहचानने वाले, सबको एक साथ में नमस्कार कर रहा हूँ मैं चुके हैं। और निकाल भी मीडिया के थ्रू जो मुझे जानने वाले उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप आज आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के बारे में जानना चाहो, किस तरह की फिल्म है? फिल्म के बारे में देखा, स्टोरी मैंने सुना था, स्टोरी तो इतनी फाड़ू है कि मैं अगर बोलूँ तो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पता चल गया हो कि इश्क कबूल है, इश्क कबूल, इसके टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, स्टोरी में मूवी में क्या होगा, तो टाइटल से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। ओके मैम, आप क्या कह रहे हैं? देखिए इश्क कबूल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इश्क कबूल आएगा जब आप हमारे जितने भी मेरी दूसरी फैमिली है सिनेमा घरों में जाएंगे और देखेंगे कि इश्क कबूल है कि नहीं। बट जैसा कि टाइटल प्रेजेंट करता है, इट्स ऑल अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक फिल्म जहां दिखाएंगे कि कैसे हीरो मशक्कत करता है हीरोइन से इश्क कबूल करवाने में, या हीरोइन मशक्कत करते हीरो से इश्क कबूल करवाने में। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। किस तरीके की ब्रीफिंग बताई गई थी जब आपने फिल्म को हाँ कहा या नरेशन जब हो रही थी? जी, पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे सूरज जी हैं एज एन डायरेक्टर, इनकी पहली फिल्म फ्लोर पे जा रही है, बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले इनको। एंड जैसा कि ये मुझसे मिले, इन्होंने स्टोरी नरेट किया, जब मैंने स्टोरी, मैं हीरो से मिली नहीं थी, आज पहली बार मिल ले रही हूँ। एंड जैसा कि इन्होंने स्टोरी बताया था, बहुत ही प्यारी स्टोरी लगी। आपने पहले भी मुझे गदर में देखा ही है, एक मुस्लिम किरदार प्ले करते हैं, बट उसमें मैं उतना ज्यादा नहीं, मुस्लिम नहीं, आई एम सो सॉरी, इंडियन किरदार। तो इसमें निधि झा आपको एक मुस्लिम लड़की के किरदार में दिखने वाली है, एम आई राइट? हाँ, तो उसमें फिर क्या कुछ नया होने वाला है वो तो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा फिल्म है, आई लुकिंग फॉरवर्ड की बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं। कितने एक्साइटेड है इस किरदार को लेके, इस फिल्म को लेके? और क्या, देखिए हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी फिल्म करूँ हर एक से बढ़कर एक हो और एक से हटकर दूसरा हो। एंड मैं एक्साइटेड हूँ कि यस, मेरी एक और फिल्म है जिसमें मैं मुस्लिम का किरदार प्ले तो कर ही रही हूँ, बट इसमें एक अलग तरीके से हमारे डायरेक्टर जो है मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। निधि के लिए ये चैलेंज होगा, किरदार ये मुस्लिम का किरदार जो भी, हालांकि उतना नहीं कह सकते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी एक मुस्लिम का किरदार कर रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान है। एंड आई फील मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट भी है कि मैं बहुत जल्दी लोगों को एज ए मुस्लिम गर्ल दिख जाती हूँ, सो यस आई एम हैप्पी अबाउट इट। सूरज जी, आपकी पहली फिल्म है?
कि आप लोगों ने जिस तरह सबको प्यार दिया वैसे हमें भी प्यार दें। और सबसे पहले आप करियर नमस्कार करते हैं सबकी तरफ से। मेरा करियर स्टिल फोटोग्राफर से शुरू हुई थी और बहुत साल पहले मेरी पहली फिल्म थी सलमान खान के साथ सावन, उसमें मैंने स्टिल फोटोग्राफी काम किया था। धीरे धीरे मेरी ग्रोथ हुई और मैंने डिजाइनिंग शुरू किया। 2010 से मैंने डिजाइनिंग शुरू किया और आज इस जगह पे मैं एज ए डायरेक्टर फिल्म कर रहा हूँ। अब बताना चाहें कि इश्कबुल मेरी फिल्म का टाइटल है। इश्कबुल और इश्कबुल मतलब बहुत ही अच्छी टाइटल है। एक हिंदू लड़की और एक हिंदू मुस्लिम लड़की की कहानी है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है मेरी। और मैंने लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की है मेरी फिल्म। ओके, तो ये कहानी है और कहानी बहुत ही अच्छी है। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि आज के जनरेशन में आज डिजिटल है, व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, मैसेंजर आ गया, तो आजकल बहुत इजीली हो गई है लोगों को लेटर पहुंचाने में। लेकिन आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले जब कोई गांव का लड़का पढ़ के और हाई स्कूल से जब पास होता था तो 10 गाँव के लोग आते थे, पढ़वाते थे कि मेरी चिट्ठी पढ़ के बताओ। तो वही सारी पुरानी चीज़ें और नई चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसको बनाया है और बहुत खूबसूरत स्टोरी है। आप लोग जब सामने आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा। जरा फिल्म से जुड़े बाकी लोगों के बारे में मुझे बताइए, किसने स्टोरी लिखी, इसमें म्यूजिक किसका होगा और फिल्म कब से फ्लोर पर जाएगी? इसके स्टोरी लिखे हैं जलालुद्दीन और शमशेर जी ने लिखा है और उनकी और भी सारी फिल्में आने वाली है। और म्यूजिक डायरेक्टर है मेरे मार्केट के जाने माने ओम झा, जिन्होंने बहुत से बड़ी बड़ी फिल्में गाने दिए हैं और मुझे आशा है कि मेरे साथ वो बहुत अच्छा गाने कर रहे हैं और निधि जी के सपोर्ट है कि गाना बढ़िया हम लोग का बन रहा है और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। मैं आपके हीरो से जानना चाहता हूँ सर, आपकी ये फिल्म पहले से कई फिल्में कर चुकी हैं, आपके लिए सीनियर आर्टिस्ट हैं। यस, इसके लिए तो मैं निधि जी का बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से और मेरे डायरेक्टर को भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ और मेरी जो पूरी टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, सोनिया मैम और मेरे डायरेक्टर। तो अगर ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाता और मैं अपनी बातें आप लोगों को नहीं बता पाता। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोग मेरे से बातें कर रहे हैं। और रही बात निधि झा जी के साथ काम करना हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा करूँ और इनके साथ कंफर्टेबल रहूँ। यहाँ आज आपकी पहचान बताओ, हीरो की है इस फिल्म की। yes. आज से पहले आपकी क्या पहचान थी, क्या करते थे? आज से पहले मैं बताऊँ तो एक नॉर्मल काम करता था, लेकिन उसके लिए तो अभी टाइम रहेगा, बताऊँगा आपको बहुत जल्द, पूरा प्रिपेयर होके बताऊँगा मैं। चांस देना चाहिए। एक बात पे जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी तो इवन आई वॉज न्यू इन कॉमर, सो फॉर मी आई फील जो डिजर्विंग है सबको एक एक मौका मिलना चाहिए एंड जो डिजर्विंग होता है ऑब्वियसली वो तो जाता ही है। एंड यस आई एम कम्फर्टेबल अनटिल अनलेस, हाँ, हीरो का थोड़ा सा एटीट्यूड ना दिखे या कुछ ना दिखे, मैं कम्फर्टेबल हूँ। डायरेक्टर साहब फिल्म के बारे में मुझे बताइए जरा। देखिए हमारी फिल्म तो बहुत अच्छी है और हम लोग शूट करने वाले 20 तारीख से बनारस के आसपास शूट करेंगे। बनारस करें, लखनऊ करें, थोड़ा सा रिकी चल रही है हमारी फिल्म और हमारी प्लानिंग है कि दशहरा में हमारी फिल्म रिलीज करने के लिए। एंड आप सबको एक और बात बताना चाहूंगी, एक और ये कि मैंने सुना ये बहुत ही अच्छे डांसर है, सो आई होप कि जितने एक्साइटेडली मैं हूँ कि मेरे हीरो जो है बहुत अच्छे डांसर है, होप आप सबको भी एक नया अच्छा सा हीरो जो है वो डांसर के तौर मिलेगा। इवन मेरी बहुत अच्छी डांसर है, आप भी अच्छे डांसर हैं। सबसे पहले तो मैं अपने हीरो के बारे में बताना चाहूँगा कि डांसर जो अपने एरिया के जितने भी गरीब के बच्चे हैं जिनको डांस सीखना है या मेरी सोनिया मैम में जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, जिनके फादर इस महाराष्ट्र में ऑटो चलाते हैं, कोई नहीं पढ़ा पाता है, तो उसको लेकर के ये लोग किसी को ये डांस सिखाते हैं और सोनिया मैम किसी को बच्चे को अनाथ को पढ़ाते हैं। तो इन लोग का एक अथॉरिटी है कि भाई सबको मतलब मिला जुला कर चलाते हैं, ये डांस सिखाते हैं और सोनिया मैम पढ़ाती हैं। आप डांस करोगे, खुद कोरियोग्राफी नहीं करते जब आप इतने अच्छे हो? कि अगर देखिए मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोरियोग्राफी जो वो माइंड सेट करके निकाल सकते हैं वो मेरे को बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं मेरा करता हूँ तो मैं मेरा ही स्टेप डाल सकता हूँ, लेकिन अगर वो डालते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बेहतर बना के और डालेंगे। तो सिंपल है, अगर मैं खुद करूँगा तो शायद मेरे लिए वो नहीं रहेगा। कौन कोरियोग्राफ करेगा फिर, आपको लगता है कौन बेस्ट तरीके से कोरियोग्राफ कर सकता है? अभी तो बहुत शुरू में उतना मुझे फुल आइडिया नहीं है अभी कोरियोग्राफर के बारे में, लेकिन जो भी रहेगा परफेक्ट। डायरेक्टर साहब को पूछे कोई कोरियोग्राफर फाइनल हुआ है? रामदेव जी है, रिक्की जी है, अपने सारे लोग मार्केट गए हैं तो उन्हीं में से चॉइस किया जाएगा, जो अच्छे जो अच्छे काम करते हैं उन्हीं लोग को लेना है, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कुछ नाम, पप्पू का नाम। देखिए सबसे अच्छा तो मानना चाहेंगे हम आज से नहीं, बहुत दिनों से कानू जी हैं, उनको बहुत
गुरु मानता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे छोटे आर्टिस्टों को जितनी मेहनत करके और बखान करके जितनी सुंदरता से वो आर्टिस्ट को बना देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि और भी लोग उस चीज़ से करते हैं, और वो जो चीज़ें छोटी हैं उसको प्यार से करने में बहुत मज़ा आता है। बड़े लोग तो क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्री के सामने तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं। निधि कुछ कहना चाहती है जाते जाते चलते चलते आखिरी सवाल, अभी तक आपने अपनी निधि झा को इतना ज्यादा प्यार दिया है, बस यही कोशिश रहेगी कि हमारे जो नए हीरो आ रहे हैं एज एन हीरो ये लॉन्च हो रहे हैं, बस इनको भी उतना ही प्यार दीजिए। हमारे डायरेक्टर जो है इनका भी डेब्यू फिल्म होगा, सो आप सबसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि आप हम सबको है इश्क बुल को प्यार दें, एंड हम कोशिश करेंगे कि हमने जो आपसे वादा किया है वो कर आप सबको खुश करें। एक चीज मुझे याद आगे जाने से पहले, आजकल ट्रेंड चल रहा है हीरोइनें फिल्मों में बुलेट चलाती हैं, निधि झा मुझे ऐसा करना चाहती हैं, आप कभी देख सकेंगे? देखिए मैं चाहूँ मेरा बस चले तो मैं सारी गाड़ियाँ चला दूँ, बुलेट क्या एवेंजर हो हेलीकॉप्टर सब कुछ चलाना पसंद करूंगी, बट क्या होता है ना कि ठीक है बट जरूर आपको ये सारी आपको चलाने नहीं आती है? नहीं नहीं मुझे चलाने बहुत अच्छी आती है, मैं गाड़ियाँ अच्छे से चलाती हूँ। कार चलाती है, बाइक चलाने नहीं आती? मैं एवेंजर चला लेती हूँ, बाकी बाइक जो है वो थोड़ा हैवी रहता है मेरे लिए। बुलेट चलते निधि आखिरी सवाल, सोनम कपूर की वेडिंग की तैयारी चल रही है जी, खुश खबरी की बात है या खुशी की बात है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑल द वेरी बेस्ट, बस एक नया कदम रखने जा रही है अपने लाइफ में, एंड एक नया कम्प्लीटली कुछ नया होने जा रहा है उनके लिए, तो हमारी तरफ से बस वही होगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, डू वेल एंड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। पार्ट बनने वाली है निधि आप उसकी? देखिए मैं क्या करूँ, मैं जाके ज्यादा से ज्यादा, मुझे वक्त की नजाकत है, बहुत कट टू कट चीजें चल रही है, जैसे कि हम ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन पे मिल ही रहे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बस बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के यहाँ वहाँ जा रही हूँ, बट अगर मौका मिलेगा टाइम मिलेगा तो जरूर जाऊंगी। थैंक यू सो मच, आशीर्वाद और दुआओं की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, आज आपके प्रणाम करता हूँ। मेरा आशीर्वाद या मेरी शुभकामना तो हरदम हर फिल्म के साथ है, जो लोग हमको बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, कुछ बुरे सिनेमा के कमेटर सिपाही बने होंगे, तो हर फिल्म के लिए शुभकामनाएं हैं। बस दुआ कीजिए घर में बने और फिल्म में चले। दो नए चेहरे जो मुझे नजर आ गए, हीरो भी नया है, पहली बार उनकी फिल्म आ रही है और डेब्यूटेंट डायरेक्टर भी है, दो नए लोग जुड़े, इंडस्ट्री और बड़ी हो रही है आपके। सर आप कब से देख रहे हैं, हर साल कुछ नए अच्छे आर्टिस्ट, कुछ नए अच्छे डायरेक्टर्स आते हैं, कुछ राइटर्स, हर तरह के लोग आते हैं, कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स आते हैं, लेकिन आप देखें कि ये लोग कहाँ तक सर अच्छी फिल्म बनाएंगे, ये इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा से भोजपुरी सिनेमा, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए। हमने एक चीज़ देखा, जो ईमानदार मेहनत किया वो यहाँ है, जो ईमानदार मेहनत है। मतलब आप मानते हैं नए लोगों के लिए पैर निकालना मुश्किल है? नहीं नहीं, नए लोगों के बल पर इंडस्ट्री होती है, लेकिन उनमें दम होना चाहिए, उनमें मेहनत करने का मतदा हो, वो आगे बढ़े और अपना काम जरा शुभकामनाएं दीजिए फिल्म के लिए। मैं ये शुभकामना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाए, और इसमें जो भी टाइटल है इसका है, टाइटल बहुत अच्छा ही लग रहा है, तो फिलहाल फिल्म बहुत अच्छी होगी, मैं ये शुभकामना देती हूँ कि ये बहुत अच्छी है। ये इश्क नहीं कबूल जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये फिल्म, मैं यही भगवान से दुआ करूँगा कि सुपर डुपर हीरो, और गिरी जी जो इसमें सूरज गिरी जी डायरेक्टर जो हैं वो हमारे शुभचिंतक हैं, मैं यही चाहूँगा कि उनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो और एक इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर बने, मैं यही भगवान से दुआ करूँगा। कितना टैलेंट आपको नजर आता है उनमें? आप ये मैं जानता हूँ काफ़ी टैलेंटेड लड़का है, और आजकल नए लड़कों में जो बातें हैं वो एक अलग ढंग की है, वो अलग अलग क्रिएशन करके लोग आ रहा है, वो देख कर समझ कर आ रहा है, उनको ये ज्ञान हो गया है कि हम सिनेमा क्या बनाएंगे जिसे दर्शक या ऑडियंस लोग देखेगा, तो ये ज्ञान उसके अंदर है मैं जानता हूँ, और एक निश्चित मैं विश्वास के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छी फिल्म सूरज बनाएगा, ये हमें पक्का विश्वास है। क्या फिल्म का हिस्सा भी होना चाहेंगे आप? एकदम, अगर सूरज मुझे आमंत्रित करते हैं तो फिल्म का हिस्सा होना चाहेंगे, इसमें क्या दूंगा, तो मैं एक एक्टर हूँ कलाकार हूँ, जो भी मुझे डायरेक्टर बुलाएगा मैं उसके साथ क्यों नहीं काम करूँगा। थैंक यू। अपने बारे में जरा बताइए, क्यों आप ये फिल्म बना रहे हो? सबसे पहला तो सवाल यही है, क्या वजह है, पीछे क्या मोटिव है, उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य यही है सर कि सभी को मतलब कि अपने अपना अपना प्रोफेशन होता ही है, सबका अपना अपना काम होता है। सेंटर में देखिए सर, मैं इससे हट के थोड़ा सा कुछ नया करना चाहता था, बस एक साल से इस पे बात चर्चा चल रही थी। मेरा एक बहुत फ्रेंड था तो एक साल पहले से ये बातचीत चल रही थी कि बीच में क्लिक कर गया, बस आप लोगों के बीच में। अखिलेश जी हमारे मित्र हमेशा पूछते हैं कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है वो उम्र से बुरा नहीं होता, पैसे देते देता बुरा हो जाता है, मतलब बड़े खर्च वाला काम होता है इन शॉर्ट, तो इतने सारे खर्च करते हैं आप उसके बाद भी प्रोड्यूसर खुश है, ये बड़ी बात है। सर सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रेम और विश्वास इससे बड़ा कुछ नहीं होता, पैसा सेकेंडरी है, वो सेकंड नंबर पे आता है, तो हमारा प्रेम और विश्वास होना चाहिए, हमें सब मतलब कि दिल की भावना से काम करना चाहिए ना कि बदले की भावना से। क्या बात, बहुत बड़ी बात हो गया। और हमारा विजन जो है वो बहुत बड़ा है, बस हम ये सेकंड जब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट, विजन हमारा बहुत बड़ा होगा, तो हम तो इस विश्वास से आए हैं, भले नए हैं लेकिन इंडस्ट्री हमारे लिए मतलब कि बस इतना प्यार जैसे मिलता रहे बस यही हमारे लिए काफी। सर आप देख रहा हूँ प्रोड्यूसर भी और डायरेक्टर हमारे बच्चे के समान है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इन्हें शक्ति सामर्थ्य दें जिससे ये जिस काम को का बीड़ा उठाया इन लोगों ने उसे बखूबी पूरा हो, और हमारी शुभकामना भी है कि ये बच्चे जिस तरह से अपने काम को जो ठाना है उसको ईश्वर उनको सहायक बने और पूरा करें। और जहाँ तक डायरेक्टर का सवाल है और प्रोड्यूसर जी जैसा कह रहे हैं, ये इस फिल्म की स्टोरी जो है और एक पुराने समय से और नए मॉडर्न युग से एंड प्राचीन युग से दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के कहानी बनी है, तो ये बहुत बड़ा जज्बा है डायरेक्टर का प्रोड्यूसर का कि इस कहानी को इन लोगों ने फिल्म के माध्यम से अंजाम दिया है। तो मैं सारे अपने ऑडियंस से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग इसको ज़रूर देखें और प्राचीन युग और आधुनिक युग के कॉम्बिनेशन को, इस लड़के की जो सोच है, इस कहानीकार की जो सोच है, उसको कामयाबी दें। हम इन लोगों से यही प्रार्थना करें। खुशी हुई कि सूरत मैं 9 साल से 7 महीने ऑपरेशन किए हैं, जो स्टिल फोटोग्राफर था, और आज इतनी खुशी हुई कि एक डायरेक्टर बन गया, एक जिम्मेदारी छोटा घर का कैप्टन वो। और फिर 9 साल का कौन है, आप भी क्यों है? मैं इस इंडस्ट्री में 9 साल से मेरे साथ है काम, वो स्टिल फोटोग्राफर काम कर रहा था, मैं एज एक्टर, और आज इतनी अच्छी फिल्म निकाली, इस कबूल है, इस कबूल लोग टी वी पर देखा था, इसका शो सीरियल और फिल्म बनने जा रही है हिंदी भोजपुरी में, कोई नया लड़का, पुरानी हीरोइन, पुराने सब कलाकार हैं, बड़े बड़े बधाई है उन लोगों को, पुरुषा साहब को भी, खासकर सर सामने बैठे हैं, ऐसा जिम्मा लिए हैं 100 लोगों के घर चूल्हा चलाने के लिए, इससे बड़ी खुशी क्या सकती है। नमस्कार है, लेकिन मैं इस फिल्म में हूँ, रोल क्या अभी मालूम नहीं। नए हैं लेकिन खिलाड़ी लोग हैं और बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, सूरज को जानता हूँ और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सह हृदय तन मन समर्पण के साथ, धन नहीं इंक्लूड किया क्योंकि धन हम लोग पास होता नहीं है, लेकिन तन मन समर्पण के साथ हम उसके साथ हैं, भगवान करे ये नई टीम नई फिल्म नए उत्साह के साथ प्रगति करे आगे जाए। धन का मैं नहीं कह सकता लेकिन ये कह सकता हूँ कि मनोज टाइगर के पास एक बहुत बड़ा दिल है, और अभी हाल ही में एक शो हुआ था लखनऊ में फांस का रोजर, क्या क्या फीडबैक मिला आपको शो का? भी बहुत बहुत अच्छा सर, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, सबने अपना एक कवर कवरिंग किया, सबने छापा, ये बहुत बड़ी बात है, अप्रिसिएशन बहुत तगड़ा मिला। हरिओम जी जो डीएम है उनकी वाइफ मालिका मालविका हरिओम जी आई थी, कई मिनिस्टर आए थे, कई आईएएस आए थे, कई आईपीएस आए थे, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अब समझ लीजिए कि लखनऊ में हर महीने एक शो है, इसका ये रिस्पॉन्स है इसका, मतलब ये कि फिल्मों से आगे बढ़कर मनोज टाइगर प्ले की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं शुरू से ही, मैं तो प्ले ही करता था, तो अगर भूख मिटाई जा सके थिएटर से तो मैं सिनेमा करूँ नहीं, लेकिन पैसे नहीं है थिएटर में, इसलिए हाँ जो सिनेमा में कर रहा हूँ उसको थिएटर के ही दे रहा हूँ। जरा कॉन्सेप्ट क्या था मांस का रुदन? एक हिरनी एक कुत्ते से प्यार करती है, और हिरनी जो है वेजिटेरियन है और कुत्ता जो है नॉन वेजिटेरियन है, तो एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन से प्यार करता है, और एक इतफाक ऐसा होता है जब एक दिन हिरनी को काट लिया जाता है और कुत्ता उस दिन वो खाना नहीं खाता,
कुछ लगता है कि शायद मांस खाने की वजह से ही अर्जी में गुजरने का याद, तो मैंने मांस जीव हत्या मंदिर इस पर मैंने कुछ लिखा। और क्या चल रहा है बस सर? अभी डिरोहो चला लंदन आने वाली है और बॉर्डर आने वाली है, खुद की एक फिल्म है जो मेरा एक फिल्म का नाम है लागल रहा बतासा, अम्रपाली हीरोइन अम्बाजी सुल्तान है, अच्छा इसके म्यूजिक डायरेक्टर है, उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उसी की तैयारी में है। कोई नेगेटिव शेड वाला रोल हम आपको आने वाला जी गिरफ्तार और मुन्ना हमारी दोनों में हार्ड कोर विलन, अभी सिन्हा जी डायरेक्टर है और बड़ी बैंड। थैंक यू।